आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी पी रेशियो लेस देन 10 की है और कंपनी हमारे कोर केमिकल सेक्टर में काम करती है। लास्ट ईयर अगर शेयर बाजार में अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि लास्ट ईयर हमारा केमिकल सेक्टर के लिए काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि आपके प्राइस इरोजन्स की वजह से कंपनीज के एबिटडा मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखाई दिया था। और ऐसे माहौल के अंदर किसी कंपनी ने अगर अपने मार्जिन्स को सेफगार्ड किया है तो उसमें एक कंपनी हमारी बैठी है, GNFC। कंपनी के इस टाइम रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ऊपर के हो चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1400 करोड़ के आसपास का है, जो कि हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के आसपास का बनता है। और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अराउंड 17% की है, जो कि लास्ट ईयर हमारी 17 से ज़्यादा 24% पे बैठी हुई थी। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी जो कि अपने केपेक्स पे बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रही है, जो कि इस टाइम कंपनी का 2200 करोड़ का केपेक्स प्लान चल रहा है, प्लस कंपनी के पास इंटरनल एक्रूअल से केपेक्स करने का अगर पैसा हो तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। मुझे लगता है कि कंपनी की अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो है अराउंड 3,000 करोड़ की। कंपनी की कैश ऑन बैलेंस शीट की बात करें तो वो है अराउंड 2,000 करोड़ का। तो कंपनी की अगर मार्केट कैप 9,000 करोड़ की है और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स प्लस कैश हमारा 5,000 करोड़ का है, तो एक ऐसा वैल्यू ड्राइवर वाली कंपनी है जहां पे आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहेगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कंपनीज की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और कंपनीज की डिविडेंड पे आउट भी अच्छी खासी हो, तो ये एक अच्छी कंपनी की आपको कह सकते हैं पहचान होती है। अब कंपनी एक ऐसे हमारे केमिकल्स बनाती हैं जो कि इंडिया के अंदर फिलहाल इंपोर्ट होते थे, और कंपनी ने अपना जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी बताया है वो ऐसे केमिकल्स के अंदर बोला है और ऐसे प्रोजेक्ट्स बोले हैं जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहे हो। जैसे कि आपका हाइड्रोजन के अंदर कंपनी ने एक एंट्री लेने की बात करी है, और कंपनी ने लास्ट ईयर जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करी है वो न्यू सेट ऑफ केमिकल्स के अंदर अनाउंस करे हैं। अगर मैं इन केमिकल्स की बात करूं तो इनके मार्केट के अंदर कम प्लेयर्स हैं जो कि इस केमिकल्स को बढ़ाते हैं, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बचाने के चक्कर में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसी कंपनीज को इनोवेट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और इस कंपनी का सबसे बड़ा वैल्यू ड्राइवर जो है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनी के जितने भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वहाँ पे कंपनी को सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, जो कि एक रेड फ्लैग भी है और एक पॉजिटिव बात भी है। क्योंकि इन कंपनीज के साथ ये रहता है कि पेमेंट की दिक्कत अगर फंस जाए तो कंपनी के बॉटम लाइन के अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो मैंने इस कंपनीज के रेड फ्लैग्स को भी पकड़ लिया, कंपनीज के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को भी पकड़ लिया, और मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पे कंपनी जब आएगी तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। थैंक यू।